आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग क्या करता है इसके बारे में हम बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो बेसिकली नंबर फॉर्मेटिंग का यूज जो होता है वो होता है डेटा, जो नंबर हम टाइप कर रहे हैं वो और जो दिख रहा है वो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसके लिए, ठीक है ना। माने कि हमने टाइप कुछ और किया और दिखाना कुछ और चाहते हैं, ऐसे केस में हम यूज करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल से मैंने यहाँ पे 100 टाइप कर दिया, ये 100 दिख रहा है बट इसकी कुछ और फॉर्मेटिंग चाहिए, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे तो ये आपके पास नंबर फॉर्मेटिंग का सारे रूल्स है। जैसे कि सबसे पहला है जनरल। जनरल काम क्या करता है, जनरल काम करता है कि जो आपका जैसा टाइप किया है ना सेट बटन में नो एनी फॉर्मेटिंग। जनरल का मतलब हुआ नो एनी फॉर्मेटिंग। अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस, जैसे 100 के पीछे डॉट लगा के कितने डेसिमल्स ऐड हो सकते वो डिसाइड कर सकते। फिर नेगेटिव होगा तो, नेगेटिव होगा तो कैसा दिखेगा ये डिसाइड कर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दूसरा आता है करेंसी, कि हम नंबर के साथ डेसिमल और बाकी चीज के साथ साथ करेंसी का भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे, करेंसी का भी इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो एक करेंसी के इस्तेमाल के लिए ये यूज किया जाता है। करेंसी के बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जस्ट हम सिंबल यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अप्लाई करके देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ओके कर दिया तो देखिए 100 यूज आया। अगर मैंने -500 दिखाया -500 दिखेगा, और इसी के अंदर में अगर मैंने ए ले लिया 1 2 3 रेड में, तो माइनस होने पे सिंबल नहीं दिखेगा, वो बेसिकली रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें रेड हो जाएगी। जैसे कि मैंने 500 आपको टाइप किया -500, तो आपको ये -500 दिख रहा है ना जी। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज के अंदर जाइएगा तो माइनस का सिंबल नहीं होगा, उसका कलर रेड हो जाता है। वो आप नंबर वाले में चूज कर सकते हैं, कि सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे ना तो माइनस में आपका माइनस का सिंबल नहीं दिखेगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। प्लस में लिखेंगे तो नॉर्मल रहेगा, माइनस लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, समझे। उसके अलावा करेंसी में आप यहाँ पे डॉलर या करेंसी के जो भी साइन है उस साइन लगा सकते हैं आप। इंडिया का भी रुपीज साइन है वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग में सिर्फ करेंसी सिंबल लगा सकते हैं। फिर आता है डेट। जैसे मैंने डेट लिखा 9/1, इसको अपने हिसाब से डेट फॉर्मेट चाहिए तो आप डेट में जाएंगे, यहाँ पे आपको डेट के फॉर्मेट लिखेंगे। जैसा डेट का फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे आपका डेट जो है उसी तरीके से दिखेगा, ठीक है सर। और उसको मैंने स्क्रॉल किया तो वही आ जाएगा, और तो सर ये वही फॉर्मेट होगा ना। नहीं 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 आपने आपने जब एक मैंने बताया था आपको कि जैसा यहाँ पर है अगर ड्रैग करेंगे तो नीचे बाकियों में सेम फॉर्मेट है, लेकिन आप चाहो तो फॉर्मेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। नंबर फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके फॉर्मेट्स आ जाएंगे। जो फॉर्मेट सिलेक्ट करो, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके ओके किया तो आपका इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे अलग अलग कंट्री के हिसाब से आपको
फॉन्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? जी जी तो यहां से आप कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ डेट किया, सेम यहाँ पे हम टाइम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने 10:30 और 00 कर दिया, यहाँ पे 00 सेकेंड, तो यहाँ पे हम अपने टाइम को भी लिख सकते हैं, जो कि होता है HHSSMM। ठीक है, कर सकते हैं। या फिर जो हमने कोड डाला उसके अलावा यहाँ टाइम में जाके बहुत सारे टाइम के फॉर्मेट होंगे, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको ले लिया तो AM PM दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग में 10 बजे मैं ऑफिस गया, मैं आज मैं मॉर्निंग में मान लीजिए 2 बजे ऑफिस जाऊंगा और कल जो है मैं 4 बजे ऑफिस से वापस आऊंगा सुबह में, कितना घंटा काम करूंगा, इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली सिंपली मुझे यहाँ पे 10:30 यहाँ पे टाइम देना होगा। आज का डेट है तो 9/9:14:20 या 2:02, अगर 2 लिखते हैं तो PM लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ऑफिस में मैं गया, बट PM लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए PM नहीं लिख, PM में हमें स्पेस देना होगा, माफ कीजिएगा, स्पेस। ठीक है, और मैं शाम को कल सुबह में 10 तारीख को 9/10 सुबह 4 AM, अब AM लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट AM ही ले आया, कितने घंटे काम किए, तो लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम। क्लियर है? और इसके ऊपर हम जाएंगे फॉर्मेट सेल कस्टम, और यहां पे आप दे सकते हैं या फिर टाइम के अंदर ये आपका 37:30 का जो फॉर्मेट है उसको चूज करके दीजिए, 37:30 का जो फॉर्मेट है उसको दीजिए। आ गया, क्लियर है? हाँ, 14 आवर्स। तो जब किसी का मैं करेंगे, जब किसी का डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो डिफरेंस के ऊपर जो टाइम का फॉर्मेट है वो आप यही देंगे। ठीक है, बाकी जैसे परसेंटेज है आपका, मैंने 20% अगर टाइप कर दिया तो ठीक है, 20% चंबर गुड। अगर आपने 0.20 से डेसिमल में परसेंट में डालना है तो यहाँ परसेंट पे क्लिक कीजिए, ये आपका 20% आ जाए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। सर, कोई जो फॉर्मेट है तो आपने बोला है वो वही फॉर्मेट डिफरेंस करके उस फॉर्मेट में बस क्लिक कर देना, राइट? जी जी, बस क्लिक कर देना। जी, क्लियर है? जी, अब यहाँ 20% आ गया। 20% के बाद इसके बाद इसमें हम बात करें कि कुछ नंबर्स लिख रहा हूं मैं, बट नंबर बहुत बड़ा होने का नहीं दिख रहा है, तो याद रखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 डिजिट का लिखा है, 12 डिजिट तक दिख रहा है, 12 डिजिट के बाद हम डालते हैं तो नंबर नहीं दिख रहा है। उसके लिए सेम नंबर फॉर्मेटिंग पे जाइए, कस्टम में आइए और यहाँ एक 0 दे दें,
क्या करेंगे, कस्टम में आइए, एक जीरो दे देंगे आपका नंबर दिखेगा। जब नंबर 12 से ज्यादा हो और ई प्लस के फॉर्मेट में आपका दिख रहा हो, ठीक है, इसको सिर्फ कॉमा मतलब फॉर्मेटिक में डालना है। नहीं ध्यान से नहीं देख रहे हैं क्या, लग रहा है बाहर रह गए, आपका ध्यान भटक रहा है। यहाँ दोबारा देखिए, मैं नंबर टाइप किया कुछ इस तरह का फॉर्मेट है ना, मुझे नंबर दिखाना है, तो कुछ नहीं करना है इसको, हम जाएंगे इस कर्सर रख के यहाँ नंबर फॉर्मेट पर राइट क्लिक करेंगे जी, और यहाँ सबसे लास्ट में कस्टम, कस्टम में आएंगे और जीरो को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके सर, नंबर कभी बड़ा रहता है तो ऐसा आता है, ठीक है, इससे फायदा मिलेगा आपको। लेकिन 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 इसका एक रूल भी है, वो जान लें। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर आपने नंबर 15 डिजिट से ज्यादा लिखा तो नंबर जीरो हो जाएगा लास्ट, 15 डिजिट तो दिख जाएगा, लेकिन जैसे 15 से ऊपर लिखेंगे तो जीरो जीरो दिखेगा, क्योंकि आपका जो एक्सेल है वो आपका एक्सेल 15 मिनट से ज्यादा नंबर नहीं देखा, हाँ उसको एज ए नंबर फॉर्मेट भी लगता है, क्योंकि आपके सिस्टम की जो कैलकुलेशन है वो इसी पे है, इससे ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं ले सकता वो, ठीक है जी, क्लियर है जी सर, आगे बढ़े तो क्लियर। लेकिन मान लीजिए जैसे कि अकाउंट नंबर हो जाता है, एटीएम कार्ड नंबर है या आधार कार्ड नंबर है, तो लिखना जरूरी है मुझे, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सिंगल कोड लगा के अपना नंबर इस तरह से लिखना है, क्या करके सिंगल कोड, ये देखिए दिख रहा है, अब इसमें आप 32,000 तक नंबर आसानी से डाल सकते हैं, कितना डाल सकते हैं 32,000 तक का नंबर, समझ गए, लेकिन इसके बीच में कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं आप किसी भी तरह के, ओके ओके सर, बाकी सब भूल जाएगा बट कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि जैसे चेक नंबर होता है ना, अब चेक नंबर किसी ने इस तरह से लिखा, अब इंडिया में चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे इसके आगे जीरो लगाना, क्या करना है, इसके आगे जीरो लगाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आइए कस्टम, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो दे दीजिए और ओके कीजिए, लिखा मैम हो गया जी सर, 6 टाइम जीरो दे दिया, ये आपका हो गया, मुझे को डाउट नहीं सर, चलिए आगे बढ़े जी सर, ये हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग थी, उसके अलावा कुछ और छोटे मोटे फॉर्मेटिंग देख लीजिए, जैसे कि मुझे एक एरिया को मर्ज करना है तो यहां से मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा तो मर्ज होकर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या फिर मान लीजिए इतना एरिया मैंने दे रखा है, इसके बीच में मुझे मर्ज अक्रॉस करना है
जी क्लास ले रहा था, मतलब सर क्लास ले रहा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मर्ज हो गया। अगर मैंने एक एरिया को मर्ज किया, मुझे इसके अंदर कुछ टाइप करना है, तो जनरली आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, आप किसी एक जगह से आपको कुछ एरिया, कुछ चीज आपने कॉपी की है, तो उसको कॉपी करके मुझे पेस्ट करना है। जब इस पे कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। कैसे करना होगा? इसके लिए मुझे इस पे डबल क्लिक करके देन कंट्रोल वी करूंगा तो पेस्ट होगा। ठीक है, यहीं पे ऊपर दिखेगा रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो रैप हो जाएगा। यहां से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं कि सेंट्रल मिडिल इस तरह से, यहां से बॉटम टॉप वगैरह चूज कर सकते हैं, यहां से कलर बड़ा कर ही सकते हैं, यहां से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो रखना अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें आता है इंडेन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, यहाँ पे सुजीत कुमार, और मुझे यहाँ पे शो नहीं करना है, मैं टाइप यहाँ पे करूँ बट शो यहाँ पर, इसके लिए हम इंडेन का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। इसका कहते हैं इंडेन। ठीक है, कुछ नंबर्स अगर आपने लिख रखा है तो मुझे इसके ऊपर ये यहाँ से अपने करेंसी चूज कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट करेंसी है, जैसे इंडियन रुपीज हमने कर दिया, आ गया। अगर डेट परसेंटेज में आपने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा, डेसिमल में है, परसेंटेज दिखाना है, तो मैंने बताया था आपको ए कर दीजिए, थाउजेंड सेपरेटर लगाना है तो ए लगा दीजिए, डेसिमल प्लेसेस को कम करना तो यहाँ से कम कर सकते हैं, ज्यादा करना तो यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं। राइट सर, राइट मैम। तो यहां तक हमारा कवर हो गया। अब अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस